अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, अप स्टॉक हो गया, फाइव पैसा हो गया, जीरोधा हो गया, जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन पे अगर आपका अकाउंट है और आप लोग उस अकाउंट के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। वो कौन सी खबर, मैं आपको बता दूं कि अरे जितने भी सारे मैं जो ऐप बताया हूं और उस ऐप पे आपका अकाउंट होगा और उस ऐप के माध्यम से अगर आप लोग पैसा शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, तो 31 मार्च लास्ट डेट है। उस डेट के बाद आपके अकाउंट को क्या किया जाएगा, उस ऐप के ऊपर से आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। क्यों? मैं आपको जो नया अपडेट आया है इन सारे एप्लीकेशन के ऊपर, जो नया रूल आया है, जो नया अपडेट आया है, उस अपडेट को अगर आप लोग सही नहीं करते हैं, उस अपडेट को आप लोग अगर फॉलो नहीं करते हैं, उस अपडेट को आप लोग पूरा नहीं करते हैं, तो आपको 31 मार्च का लास्ट डेट दिया गया है, उस डेट के बाद से आपके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, उस सारे एप्लीकेशन के ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। तो कौन सा अपडेट आया है, उस अपडेट को कैसे सही करना है कि आपका अकाउंट बच जाए, सारा कुल डिटेल आज के आपके इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए लोग बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अभी तक हमारे अमर टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और ऐसे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यार वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या अपडेट आया है और क्यों आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो जितना भी सारा मैं एप्लीकेशन बताया हूँ, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, अप स्टॉक हो गया, फाइव पैसा हो गया, जीरोधा हो गया, इन सारे एप्लीकेशन के ऊपर आया है एक जो अपडेट आया है, नॉमिनी का अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनी का, इन सारे एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने नॉमिनी का नाम फिल नहीं किए होंगे, आप अपना नॉमिनी का नाम नहीं डाले होंगे आप अपने अकाउंट में, तो आपको 31 मार्च का लास्ट डेट दे दिया गया है। 31 मार्च के बाद अगर आप नॉमिनी नहीं पूरा किए होंगे, नॉमिनी का नाम फिल नहीं किए होंगे, नॉमिनी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए होंगे, तो आपको 31 मार्च का लास्ट डेट दिया है। 31 मार्च के बाद आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। तो कैसे आपको नॉमिनी ऐड करना है, कैसे नॉमिनी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, टोटल जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए अप स्टॉक पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है, नॉमिनी का नाम कैसे ऐड करना है, ताकि आपका अकाउंट बच जाए। हाँ, अगर आप लोग किसी और एप्लीकेशन पे काम करते होंगे, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, फाइव पैसा हो गया, जीरोधा हो गया, अगर आप लोग उस पर चाहते हैं कि उस पर आपको नॉमिनी का नाम कैसे ऐड करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उस पर भी आपको कैसे नॉमिनी ऐड करना है। चूँकि मैं आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ अप स्टॉक के ऊपर बताऊंगा कि आपको नॉमिनी का नाम कैसे ऐड करना है। मेरे मोबाइल, चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको नॉमिनी कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन ऐप स्टॉक को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ऐप स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। तो ऐप स्टॉक ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले अपने पिन लगाया उस ऐप पे, तो मैं पिन कोड डाल के पहले ऐप स्टॉक ऐप को ओपन करता हूँ। उसके बाद से बता दूँ कि कैसे आपको नॉमिनी ऐड करना है। सबसे ऊपर देखिए आपको जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपको बगल में एक ऑप्शन दे रहा है, 2 करके 2 7 करके दे रहा है, उस पर आपको टैप करना है जस्ट बगल में ही। उसके बाद आप लोग उस पर टैप करके उस पर जब ओपन कर देंगे, तो आपको नॉमिनी वाला ऑप्शन देखिए आपको खुल जाएगा। देखिए कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे आप तो देखिए माई नॉमिनीज का ऑप्शन आ दे रहा है, माई नॉमिनी, आप उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको नीचे खुलेगा ऐड नॉमिनी, ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड नॉमिनी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए पूरा डिटेल आ गया, आपको पूरा डिटेल सही सही भर देना है। तो जैसे कि मैं देखिए मैं चल के मैं अपने मम्मी का नॉमिनी बनाता हूँ, तो मैं उनका जो डिटेल रहेगा, जो डॉक्यूमेंट मैं लगाऊंगा, पैन कार्ड आधार लगाऊंगा मैं उनका, तो जो उस पर नाम और डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा पूरा डिटेल सेम वही देख के भरना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। सबसे पहले मैं नाम भर देता हूँ, उसके बाद रिलेशन क्या है, मदर है तो मदर में भर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आएगा, उसके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ देख के मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है पैन नंबर पर, तो मैं पहले उसको डेट ऑफ बर्थ देख के आपको सही सही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो है मैं उसको फिल कर देता हूँ सही से। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है और कौन सा डेट में जन्म हुआ है, सारा सही सही आपको फिल करना है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाए, डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया। उसके बाद क्या करना, आपको पैन नंबर भरना है। आपको पैन नंबर जो होगा आप लोग देख लीजिएगा पैन नंबर पे क्या पैन नंबर है, आपको सही से पैन नंबर आपको उस पर फिल कर देना। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पैन नंबर उसमें ऐड कर लेता हूँ जो पैन नंबर उस पर दिया है पैन कार्ड पे।
तो पैन नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, पैन नंबर फिल करने के बाद आपको एड्रेस का ऑप्शन पे आ जाना है। नीचे आपको एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, आपको तीन तरह का एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, आपको सारा एड्रेस एक ही तरह का भर देना है। जो आपका एड्रेस होगा आपको तीनों में एड्रेस आप एक ही जैसा भर दीजिएगा। जो आपका एड्रेस होगा, जो आपका पता होगा, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, सारा कुल डिटेल आपको एड्रेस में भर देना है सही से। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए डिटेल पूरा आ गया। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आप अकाउंट में फोन नंबर दिए होंगे वो फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिर करने के बाद आप ऐड कर देंगे, नॉमिनी आपका ऐड हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो लगा होगा तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा जरूर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ।